उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला कार्यालय पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 100 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें 14 फरवरी 2018 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद 44 जवानों को सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारत माता पाक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रांत छात्रा प्रमुख अवनी यादव, विभाग प्रमुख रजत जैन, महानगर उपाध्यक्ष अनिल सागर, महानगर मंत्री अतुल राठौर, जिला संयोजक आदि दिवाकर, महानगर मीडिया प्रभारी गौरव तेंगुरिया, कॉलेज मीडिया प्रभारी सोनू कुमार, जिला सेल सोशल मीडिया प्रमुख अतुल चौधरी आदि सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा नाम आदि दिवाकर है, वर्तमान में मैं फिरोजाबाद जिले का जिला संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। आज 14 फरवरी है, इसका क्या उद्देश्य है? दो वर्ष पूर्व पुलवामा शहर में हमारे कायर प्रतिनिधि द्वारा हमारे वीर जवानों को पीठ में खंजर घूमने वाला का जो कार्य कायर पाकिस्तान ने किया, आज उसी दिन पर हमने उन जवानों के लिए यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भारत माता पार्क में किया। रजत जैन, मैं विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। जो 14 फरवरी है, इसका क्या उद्देश्य है? 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के द्वारा हमारे CRPF के 40 जवानों को आतंकवादी घटना में शहीद कर दिया गया था, उसके उद्देश्य से आज उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित भारत माता का पार्क विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। आज कितने कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं? आज कार्यकर्ता 50-60 संख्या में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, कॉलेज अध्यक्ष, कॉलेज मंत्री एवं शहर के फिरोजाबाद जिले के विभिन्न भिन्न स्थानों से आकर के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपके संगठन द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? विद्यार्थी परिषद हमेशा यही संदेश देना चाहता है कि आज की युवा पीढ़ी को आज के दिन एक और अवसर मनाया जाता है, पश्चिमी सभ्यता का जो प्रतीक माना जाता है वैलेंटाइन डे, उसको ना मना करके वीर सपूतों के को नमन किया, आज का वीर सपूतों को नमन करें, उनकी शहादत को याद करें, क्योंकि उनके ही बदौलत हम इस शहर के अंदर जीवित हैं, क्योंकि वो सीमा पर डटे हुए हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। यदि वीर सैनिक हमारे सीमा पर ना होते तो जाने किन किन पड़ोसियों की नज़र हमारे भारत देश पर है, वो अंदर तक घुसाए होते।